जय जगन्नाथ। सिद्धार्थ भक्तिर गीता रहस्यर एक कार्यक्रम को आपण समस्त को स्वागत जनाउछि। गीता रहस्यर पूर्व अध्याय आम विचार करूथिले जे अर्जुन भगवान को कहुचंती अहो वत् महत् पापं कर्तुम व्यवस्थिता वयम्। आमे माने केड़े बड़ महान पाप करिवा को जाउछे जे आत्मीय स्वजन मानंकु आमे माने युद्ध करिवा तांको संगरे एवं तांको मारिवा, एहाठु बड़ी आउ पाप किछि न थाए। माने ये सबुठु बड़ पाप। अर्जुन दुखरे अत्यंत म्रियमाण हो जाइछंती। एक कथा भाविकरी कहुचंती कौन पाई ये युद्ध आम करूचु, ये साधारण राज्य सुख लाभ करने एम को समस्त को आम मारिदबा, एम सहित युद्ध करवा ना ना, एडे बड़ पाप के आम करवा। जदि आम युद्ध न करवा जो निरस्त्र अवस्था एम मान को मारि दिंती आम मान श्रेयस्कर हम। यह अपेक्षा जे आमे युद्ध करी सेमानंकु मारिबा। एई प्रकार कथा कही संजय कहुचंती धृतराष्ट्र को कौन करचंती अर्जुन। संजय उवाच एव मुक्तार्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशत् वृषज्यं संसरं चापं शोक सविघ्न मानसः। युद्धर मध्यस्थल रे अर्जुन कौन करचंती बसी पड़िचंती, धनु एवं सर त्याग करचंती। जेउ धनु सर वीरर शोभा ताकु त्याग कर दीचंती। अर्जुनंकर युद्ध करिवार समस्या नथिला। जेउ अर्जुन आपण चिंता करंतु स्वर्गरे एते वर्ष रहिथिले, स्वर्गर देवता माने मध्य जेउ निबात कवच मानंकु परास्त करि पारि नथिले, एपरि कि ठाब मध्य करि पारि नथिले, एकुटिया अर्जुन समस्तंकु ठाब करिचंती एवं संघार करिचंती। युद्ध करिवाकु एठि कोन डरुचंती ना ना, जेउ अर्जुन एकुटिया विराट युद्ध रे समस्त कौरव सेना समस्त महारथी समस्त सैन्य सहित आसी तांकु मध्य एकुटिया परास्त कर देइछंती। से अर्जुन आज निज सम्मुखरे ए युद्ध मानंकु किंबा सैन्य मानंकु देखि कोन डरी जाइछंती ना ना। अर्जुनंकर समस्या कौन, अर्जुनंकर मुख्य समस्या जे आत्मीय स्वजन मानंक सहित युद्ध केमती करबी, मन उपरे विशेष प्रभाव पड़िछि। मनीषर सबुठु बड़ निजर किए, मनीष को सबुठ बेसी प्रभावित किए करे, मनीषर मन ही ताकु सबुठ बेसी प्रभावित करे। मनीषर मन ताकु बांधे, मनीषर मन ताकु मुक्त करे। मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षय। मन ही मनीषर बंधन भी कारण आ मोक्षर भी कारण। अर्जुनंकर मन बांधी ही जाइछि। मन ही आमर सबुठ बड़ मित्र भी, मन आमर सबुठ बड़ शत्रु। मनर प्रभाव द्वारा आम प्रभावित हो। गोटे घटना थरे जने ऑटो चालक मरुभूमि रे ऑटो को नेकरी जाउचंती, राती ही गला, विभिन्न जगार सब छोट छोट धर्मशाला सब थाए यात्री मानंकर रहिबा पई अभ्यागत मानक रही। से गोटे जगार जितेबले जा पहुँची सेतबले सेठिकार जी अधिकारी अच्छा नवेदन करे मु आज दिन टी एठी विश्राम करी, राति हो गला, मो संगे मो ऑटोटी अच्छी, से सब कहते बेस तो किसी असुविधा ना। तारे स्थान दे कि समय पर पुणी से दौड़ी दौड़ी आज्ञा गोटे असुविधा हो गला ना। कौन असुविधा है ना, मो ओटोटी को मु आउ बांधी पारुनी, कारण सांगेरे जो खुंटटी रखे जो थे बांधे से खुंटटी मो पाखे नाही, कौटे हजी जाइछि। सेठु सेठिकार जी अधिकारी जनक थिले से तांकु कहले आहा तमे एक कथा जानिछो, ओटो कोन एक कथा जानिछि कि तमे गोटे काम कर,
तुम खुंटटी पोत ना खुंट आज्ञा ना ही खुंट पोतबी केमती ना खुंट पोतार अभिनय कर तो सी सेठ गले जेमती भाव में ओट को प्रत्येक दिन बांधती से भाया प्रथम खुंट लगे ऊपर हाथ कले से अभिनय कले जे से शब्द कले प्रकार करी जेतो बड़े ताकु बांधिवार अभिनय करते आसिक विश्राम कर सका जो बड़े देखिले ओट जो जगार थिला से जगार अच्छी बड़ खुशी आसिक अधिकारी जन कहते आज्ञा आप बेस उपाय बातले मोर बहुत बढ़िया होगा ओटो से कौड़े भी जाए पुणी टिके परे दौड़ी दौड़ी आसिक पहुँचले कहे आज्ञा आउ गोटे असुविधा होगा ना कौन असुविधा होगा ना बर्तमान ओटोटी आउ चलुनि उठुनि शिशुटू कहले तुम्हें कौन कल ना मु तो खोला था सेमती नहीं जावाक चेष्टा कली ना 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 गोटे काम कर जमती प्रत्येक दिन बंधन खोल से प्रकार अभिनय कर से सेठ गले से प्रकार अभिनय कले खोल बेले जो प्रकार शब्द करती से प्रकार शब्द कले जमती दौड़ी खोलती से प्रकार कले प्रकार जिते बड़े करोटोटी ठिया होगा सी आसिक धन्यवाद अर्पण कले अधिकारी जन को तापर पुणी प्रत्यावर्तन करने से प्रस्तुत है कहार अर्थ हूँ जे ओटोटी को बंधा जाए ना किंतु ता मनरे अच्छी जे यही प्रकार सबुदिन बंधा हुए एमती हेले तार मु बंधा हुए एमती हेले मु तार मुक्त हुए कहार अर्थ हूँ मनर प्रभाव जो भली भाव आम उपर पड़ब से भली विचार आमर हम से भली आमे आचरण करवा तेणुकर कहती मन के हारे हार हे मन के जीते जीत मन आमर जेमती हब से प्रकार आमर अवस्था हब मन ही मिलावत राम से मन ही करत फजीत जदि आम को मन बंधन में पकेब ताहले आमे बंधन में पड़िबा जदि मन आम को मुक्त करिब ताहले आमे मुक्त हो जिबा ए सबु होची मनर अवस्था बांधी तेणुक जदि आम को ये सबुरु ऊर्ध को जीवार अच्छी आम को मन को निज नियंत्रण करने को पड़ो जदि मन आम नियंत्रण रु प्रकार इंद्रिय सकल आम नियंत्रण रे कौन है जे अर्जुन मन तक नियंत्रण में ना जड़े क्षत्रिय सी युद्ध करने को आसी किंतु युद्ध करिबा परिवर्ते से कौन करुद्ध रु विरत किपर भाव तापी समस्त प्रकार प्रयास करुद्ध करे ना बोली बारंबार विभिन्न युक्ति उपस्थापना करुंट आत्मीय स्वजन मैंने मरीजे एत लोक जदि मरीजे तेल कुल स्त्री मैंने सबू दूषित होजे वर्ण शंकर जात हे पितृपुरुष मैने श्राद्ध तर्पण हम ना ही प्रकार विभिन्न प्रकार सबू युक्ति उपस्थापना करुछंती सत कह गले भगवान अर्जुन का सामनारे जानी सुनिकरी एई प्रकार परिस्थिति सृष्टि करिछंती कारण अर्जुन भितरे थिबा दुर्बलता को भगवान अत्यंत उत्तम रूप से जानिछंती इते बड़ विशाल सेना जेकोसी जगार ठिया करथिले चली थांता इते बड़ विशाल सेना आगे जोटी भीष्म द्रोण अच्छा से ही सामने नहीं अर्जुन को ठिया करार कारण कौन दुर्योधन सामने कि दुशासन सामने ठिया करते हुए तो यही प्रकार अवस्था ए प्रकार भाव अर्जुन भितर सृष्टि नईपर संभावना किंतु भगवान इच्छाकृत भाव प्रकार अवस्था सृष्टि कर गुरु जी सद आचार्य से सब बड़े चाहती जे मोर जी शिष्य बा समस्त एटी तो भगवान को पाई समस्त होकर निजर अंश तेणुक विशेष भाव अर्जुन भितर थिबा जो दुर्बलता ताहाकु नष्ट करा जाऊ एही प्रयास एही प्रकार अवस्था रे अर्जुन अच्छा सुखाकूल अवस्था रे प्रथम अध्याय एठी समाप्त होइछि प्रथम अध्याय समाप्त रे प्रत्येक अध्याय समाप्त रे आपण जदि देखिबे गोटे विशेष कथा व्यासदेव कहते कौन कहते ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय प्रथम कौन कहते जे ओम तत्सदिति ओम तत्सद ये तीनोटी शब्द परमात्मा सूचक कौन पाई प्रत्येक क्षेत्र रे को उद्देश्य रे यहाँ को उपयोग करी प्रथमे जदि ओम रो विचार करिबा ताले ए जो परमात्मा सूचक शब्दटी यहाँ को प्रथम उच्चारण करिवार अभिप्राय ही जदि कौनसी शब्द प्रयोग समय रे रचना समय रे लिखन समय रे कौनसी प्रकार त्रुटि हो जाए थाए बा भाव को रखिवारे जदि कौनसी प्रकार त्रुटि हो थाए ताले सही त्रुटि जनित दोष को मार्जित करिवा पाए जेमती मार्जना हो जाए। देखंतु व्यासदेव होचंती साक्षात भगवान विष्णुंकर अवतार बोली कहा जाए साक्षात भगवान ही सही स्वरूप आसीथिले निजर कथा को शास्त्र उद्धार पाई ठीक भावरे ताकु उपस्थापन करिवा पाई से व्यासदेव मध्य जेतेबेले रचना करुचंती केते विनित भावरे शब्द को प्रयोग करुचंती केते सतर्कतार सहित प्रयोग करुचंती साधारण ज्ञान जदि आमर किछि थाए ताले जेतेबेले आमे कोनोसी जिनस रचना करु बा कहु बा कोनोसी प्रकार संयोजना करु ताले मने मने चिंता करु आहा मो द्वारा कोनोसी भूल हेबो नहि मु सबु जानिछि ए प्रकार भावना साधारणत अनेक क्षेत्र रे देखा जाए। किंतु एठी आमको देखंतु महापुरुष माने को भलिया निज जीवन रा आचरण रे निज कर्म रे निज रचना रे सदा सर्वदा तांकोठु आमर सिखिवार अछि तांको अनुसरण करिवार अछि महाजन जन गत सिपंत तो एठी को उद्देश्य रे प्रयोग करुचंती ए उद्देश्य रे प्रयोग करुचंती जे जदि कोनोसी रचनागत त्रुटि अछि बा लिखन युक्त त्रुटि अछि ताहले तार समाधान हो तापर प्रयोग करुचंती तत् शब्द अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तत् एठी परमात्मांकर पित्यार्थे से परमात्मांकर पित्यार्थे ए जो लिखन ए जो रचना ये जो उपस्थापना एटा कौन पाई एटा होची परमात्मांकर पित्यार्थे आमे संसार रे समस्तंकु प्रीत करिवाकु चेष्टा करू बहुत जणुकु निजर जो माने आत्मस्वजन अछंती संसार रे अन्य लोक माने अछंती जो माने आम काम रे आसीबे जो मानुकु आमुकु जो माने भलो लागुचंती किंतु आपण चिंता करंतु जीवन रे बहुत प्रयास करी मध्य संपूर्ण रूपे सबु समय रे काहाकु आमे प्रीत करि पारिछे बा केही करि पारिछंती बा आगामी समय रे केही करि परिवे एई भली जोर देखिकिर केही कहि परिवे नाही तेणुकरी जहाँ भी कर्म हो आमर सबबेले उद्देश्य रहिबा दरकार से कर्म पछरे मुख्य उद्देश्य कौन भगवत प्रीत्यार्थे काहीं कि भगवत प्रीत्यार्थे जेतेबेले आपण माने पूजा करुथिबे सेतेबेले देखिबे ब्राह्मण शेषर कौन करंती बहुत जण तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट भगवान को समर्पण कर दियंती कर्म फल कहीं जदि सीए तुष्ट हो जिबे ताहले समस्ते तुष्ट हो जिबे जेंती गोटे राजदरबार रे आमे चेष्टा करिवा जे मंत्री को संतुष्ट करिवा कटुआल को संतुष्ट करिवा अन्यान जो माने विदूषक अछंती सेमानुकु संतुष्ट करिवा ता परिवर्ते जदि केवल राजा संतुष्ट हो जानती ताहले समस्ते संतुष्ट हो जिबे तेणुकरी जहाँ भी आमर कर्म होउछि जहाँ भी आमे करुचे जहाँ भी आमे चिंतन करुचे ता निश्चित भावरे भगवान कर प्रत्यार्थ हवा दरकार तेणुकरी एठी तत्शब्दर प्रयोग करुचंती ताकु बुझिबा दरकार तेणुकरी विचार करा जाउछि तापरे सत् सत् शब्दर प्रयोग करुचंती सत् शब्दर प्रयोग करिवार अभिप्राय कौन जे जहाँ ये जो रचना हैला ताहा चिरंतन हो भगवान कर बाणी निजे ताकु लिपिबद्ध करुचंती किंतु कहउचंती एही बाणी भगवान कर एही जो बाणी यहाँ चिरंतन हो जहाँ लिखा जायछि ना एथिपाय नुह जे केवल बहिरे रहिला खातारे रहिला पोथिरे रहिला ना ना यहाँ चिरंतन सबु दिन पई जे कोनसी समय जे पर्यंत सृष्टि अछि सेई पर्यंत भगवान कर ए बाणी विराजमान करु एवं सकल जीवर कल्याण करु ओम तत्सत तापर इति शब्द प्रयोग करुचंती इति शब्द कर्था आउ कौनसी प्रयोजन नाही एतिकी प्रयोजन अर्थात ए तीनोटी विशेष भाव रे प्रयोजन एथिरे
କୌଣସି ଯଦି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହଉ ଅଛି ତାହା ନିବାରଣ ହଉ। ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥ ହଉ ଏବଂ ଏହା ଚିରନ୍ତନ ହଉ, ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ। ଏଠି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ, ଆଚ୍ଛା ଭଗରୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଶବ୍ଦଗତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଛଅଟି ଜିନିଷ ବିଦ୍ୟମାନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀ, ଯଶ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଏଇ ଛଅଟି ଯାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ଛଅଟିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ, ଯାହାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଛଅଟି ଆସିଛି, ସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏ ଛଅଟି ଯାକ ଭଗ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାସୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତା। ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ରଚନା ହେଇଛି ତାକୁ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେ ଗୀତ ଗାଏ। ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ତା ମୁହଁରୁ ଗୀତ ବାହାରେ। ତ ଏଠି ଭଗବାନ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜୀବର ଯାହା କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିମିତ୍ତ କରିକି ସେଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଣୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦକୁ। ସଂସ୍କୃତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୀତମ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଉପନିଷଦ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ଯୋଗ କରି ଗୀତମ୍ ଜାଗାରେ ଗୀତା, ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାସୁ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉପନିଷତ୍ସୁ। ଏହା ଉପନିଷଦ, ଉପନିଷଦ, ଉପନିଷଦ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ ବସି ଯାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଯାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ, ତାପରେ ମନନ କରାଯାଏ, ଚିନ୍ତନ କରାଯାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୁଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଏହି ଗୀତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟକୁ କିଏ ଯାଏ, ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତା ପାଖକୁ ଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ତେଣୁକରି ଉପନିଷଦ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଉପନିଷଦ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା କି? ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ନ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏହା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାମ ସର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଜାତି ସର୍ବକାଳ ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମର୍ଥ, ଏ ବିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାମ। ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭସ୍ୟ ମୁଖ ପଦ୍ମା ବିନିଶ୍ରିତ, ଯାହା ସାକ୍ଷାତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା, ସାକ୍ଷାତ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମୁଖ ନିଶ୍ରିତ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଯେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ଗୀତାରୂପୀ ଗଙ୍ଗା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ବାହାରିଛି, ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବା? ତେଣୁକରି ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏହା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର କି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେଉଁ ଭୁଲିକରି ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ଯୋଗ କରିଦେଇପାରେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ସମର୍ଥ। ତେଣୁକରି ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରେ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଭେଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଇଛି, ସେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମକୁ ନେଇକରି ପଳେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଏହା କ'ଣ, ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ କର୍ମଯୋଗ ଅଛି, ଭକ୍ତିଯୋଗ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗର ସମାରୋହ ଅଛି ଏଠି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
एक प्रकार सब प्रकार जोगर समारोह तेणुक ये जोग शास्त्र आउ कौन श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद कहार संवाद होची ए कथा कौन सी साधारण लोकर कथा नुह साक्षात भगवान श्रीकृष्ण मुख निश्रुत बाणी अर्जुन सहित संवाद होची तेणुक यार गुरुत्व कौन यार विशेषत्व कौन सदा सर्वदा या जो श्रवण करवा जो चिंतन करवा जो अध्ययन करवा यार विशेषत्व आम मान मनरे आम मान बुद्धि प्रवेश करवा उचित ये कौन सी साधारण लोकर संवाद नुह श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद तार शेषे कहते प्रत्येक अध्यायर शेषे से जो अध्यायर विशेषत्व कहते श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद अर्जुन विषाद योग ये प्रश्न आसपे जे अच्छा विषाद केमी पुणी जोग हो विषाद कौट तो जोग हुए आम मैंने चिंता कले अरे विषाद केबे जोग हम ना ना विषाद केमी जोग हम किंतु प्रकृत विषाद मध्य जोग अर्जुन ये कांदुचंती तंकर विषाद है किंतु कौन पाई कांदुचंती धर्म पाई कांदुचंती निज पाई कांदु नहंती तंको द्वारा जमती अधर्म न होई जीव से कथा को विचार करिकरि कांदुचंती तंको द्वारा जमती अनीति न होई जीव से कथा को विचार करि कांदुचंती समाजर अकल्याण जमती तंको द्वारा न होबो से कथा को विचार करि कांदुचंती जेतबेले आमे माने मध्य से प्रकार कांदिबा जेतबेले आम आखिरु धर्म पाई नीति पाई आम आखिरु लोह बाहर से प्रकार जो विषाद आम मान आम मानी ताग हो राणुबाई पुत्र छात उपर दस वर्ष बालक बसिक कांदुचंती राणुबाई जा पचारुचंती आहा तमें कांदुच कहीं दस वर्ष बालक कहुची माँ चारिआड़े एत अनाचार होची धर्म उपर एत अत्याचार होची श्रीमान अत्याचार होची गोमाता उपर अत्याचार होची या देखिकी मु सही पारुनी आम मानकर मन मध्य जेतबले ए प्रकार विस्तीर्ण हब आम मानक मध्य जेतबले धर्म प्रति ए प्रकि अनुराग हब सेतबले आम मानकर विषाद मध्य जोग होई आम मानकर श्रद्धा थी दरकार आज समय है आम प्रसंग को ये सांग करवा पुणी देखा हब गीता रहस्यर आ गोटे अध्याय से पर्यंत विदाय नौ जगतर नाथ जगन्नाथ चरणारविंदर आपण समस्त सब प्रकार कल्याण साधित हो आपण मैंने सब सुख आनंद रुहतु ये प्रार्थना करुच्ची विदाय नौ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।